बैकअप नहीं आ रहा क्या सर सपोर्ट के लिए आपके? महंत यति नरसिन्हा नंद के एक बयान से राजनीति में भूचाल आ गया। यूपी में तब से हड़कंप मचा हुआ है जब से नरसिन्हा नंद ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान दिया है। टासना देवी मंदिर के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात है। जानकारी के लिए बता दें कि इस बयान के बाद विरोध में धर्म विशेष की भारी भीड़ मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। खबरों के मुताबिक हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि उस दौरान मंदिर पर हमले की कोशिश की गई है, जिसके बाद लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, मगर ये भीड़ अचानक कमिश्नर ऑफिस पहुंच गई। बता दें कि डासना देवी मंदिर गाजियाबाद क्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का प्राचीन इतिहास रहा है। जब से मंदिर पर भीड़ जमा होने का मामला सामने आया है तब से यहां पर विवाद बढ़ गया है। हालांकि पुलिस का कहना था कि कुछ युवक ही मंदिर के बाहर आकर शोर मचा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने भगा दिया था। पुलिस ने किसी भी तरह की हिंसा के दावों को खारिज कर दिया है, मगर गाजियाबाद की सड़कों पर भारी संख्या में निकले लोगों की भीड़ के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक आज गाजियाबाद के लोगों ने हिंदू संगठनों और मंदिर समिति के साथ मिलकर लोगों को जमा होने का आह्वान किया था। इस आह्वान पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और सभी मंदिर पर हुए पथराव के विरोध में पुलिस लाइन स्थित कमिश्नरेट ऑफिस पहुंच गए। यहां आकर हिंदू समाज के लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। यहां डासना मंदिर पर हुए हमले के विरोध में खूब नारेबाजी हुई और मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र और तेलंगाना समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी इस टिप्पणी का जमकर विरोध हुआ। ये कोई पहली बार नहीं था यति नरसिन्हानंद ने इस तरह की टिप्पणी की है। इससे पहले 2021 में हरिद्वार में एक धर्म संसद में भी उन्होंने हेट स्पीच दी थी। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और इसी मामले में वो जमानत पर रहते हुए दिल्ली में एक महापंचायत करते हुए फिर इसी तरह की टिप्पणी कर दी। वहीं अब पुलिस के अनुसार पुजारी यति के कथित तौर पर 19 सितंबर को गाजियाबाद में हिंदी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।